Starting with a new chapter that is subsidiary books. Video Nishan, Dhruva, Smith, Vidushi, Priya, Singh. अब तक हमने कितने books of accounts learn किए हुए हैं? How many books of accounts we have learned till now? Two books. Journal and ledger. Okay. So दो ही books of accounts होते हैं practically भी. There are only two books of accounts, journal and ledger. Primary book of account is journal, secondary book is ledger. First transaction आपका जो जिस book में record होता है, जो भी book में record होता है, that is journal. And from journal you post them into ledger. ओके उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस जो हमें सीखना बाकी है और उसके बाद आप फाइनल अकाउंट ये हमारा लास्ट चैप्टर है इसका तो जर्नल होता है फिर लेजर बनता है और उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस फाइनल अकाउंट वेयर यू फाइंड आउट योर प्रॉफिट लॉस So basically we have done the first two steps over here of the accounting bookkeeping process. First step is journal and secondary book is ledger. बराबर है? अभी ये जो chapter है subsidiary books ये क्या है? Subsidiary books are nothing but journal. Nothing different. Subsidiary books are what? Subsidiary book is a subdivision of journal. Subdivision of journal is called subsidiary journal or subsidiary book. Okay. Now, why subdivision? Simple reason कि जब business का size छोटा होता है जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया जर्नल में बिजनेस का साइज जब छोटा होता है तब बिजनेस एक ही जर्नल मेंटेन करता है व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल देन द बिजनेस मेंटेन्स जस्ट वन सिंगल जर्नल एंड ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन दैट जर्नल जो हमने लर्न किया ठीक है अब When the size of the business grows, it becomes bigger and bigger. जब size बढ़ते जाती है, तब क्या करता है business? वो all the types of transaction अगर एक ही journal में record करेगा, तो उसका analysis part या उसका specialization effect हो जाए. So in simple words, जब बड़ा business हो जाता है, size of the business बढ़ जाता है. तो एफिशिएंसी लाने के लिए स्पेशलाइजेशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो सिंगल जर्नल को डिवाइड कर लेते हैं इनटू वेरियस स्मॉल स्मॉल जर्नल्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन बिग जर्नल वी मेक सेवरल स्मॉल स्मॉल जर्नल्स एंड दोज स्मॉल स्मॉल जर्नल्स आर कॉल्ड एज सब्सिडरी एंड दोज स्मॉल स्मॉल जर्नल्स आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक So, subsidiary book या subsidiary journal और कुछ नहीं है journal का parts है journal का parts है So, अब क्या होगा तो अब उस original journal का क्या तो वो original journal नहीं रहेगा उसके जगह you will have different subsidiary books individual journals small small journals where you will record different types of transactions hum abhi tak sabhi bhelpuri all the transactions were going in one journal ab aisa nahi karenge ab wo ek journal ko humne type of transaction ke hisab se divide kar de aur every particular type of transaction will go in a different journal why so that specialization takes place properly specialization matlab kya
गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, सब्सिडरी बुक में मैं आपको जर्नल्स बता देता हूँ, ये जो टुकड़े हम लोग करने वाले हैं इसमें एक होगा परचेज बुक, एक होगा सेल्स बुक, एक होगा परचेज रिटर्न्स बुक, एक होगा सेल्स रिटर्न्स बुक, एक होगा कैश बुक, एक होगा पेटी कैश बुक, एक होता है जर्नल प्रॉपर। अच्छा क्या सर इतने ही है? नहीं भैया, आपको मर्जी चाहे उतने सब्सिडरी बुक बनाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आगे जाके बिल्स रिसीवेबल बुक भी बना सकते हो, बिल्स पेएबल बुक भी बना सकते हो, बैंक बुक भी बना सकते हो, रिकॉर्ड ऑल द बैंक ट्रांजैक्शन, आपकी मर्जी है, जितने टुकड़े करने हैं जर्नल के कर दो। डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस के हिसाब से आपको अपना जर्नल जैसे स्पेशलाइज करना है आप कर सकते हो, ठीक है, उसके टुकड़े कर सकते हो, उसमें अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपको थ्योरी पर्पस के लिए, थ्योरी पर्पस के लिए यू डोंट हैव ऑल दीज जर्नल्स, यू हैव परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। फॉर योर कन्वीनियंस, योर थियोरेटिकल पर्पस, यू हैव जस्ट दीज सेवन सब्सिडरी बुक्स, सेवन सब्सिडरी जर्नल्स, दैट इज कैश, पेटी कैश, सॉरी परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, पेटी कैश एंड जर्नल प्रॉपर। इसमें भी अभी जो चैप्टर हम लोग लर्न कर रहे हैं ना सब्सिडरी बुक्स का, इसमें वी हैव टू लर्न दीज फोर ओनली, दैट इज परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कैश बुक का एक सेपरेट चैप्टर है, पेटी कैश बुक का सेपरेट चैप्टर है, ओके okay? आगे जर्नल प्रॉपर हर एक चैप्टर में दिखेगा आपको। तो बेसिकली इस चैप्टर में कैश बुक और पेटी कैश बुक नहीं बनाना है आपको, परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब ये क्या है, ये परचेज बुक, ये सेल्स बुक, ये परचेज रिटर्न बुक, ये सेल्स रिटर्न बुक, लेट अस अंडरस्टैंड। सो एवरी जर्नल एंट्री इज नाउ अ सब्सिडरी। एग्जैक्टली, एवरी जर्नल एंट्री वोंट गो इन दैट कॉमन जर्नल, सार्वजनिक जर्नल गुल जो अभी तक बनाते थे, वो सार्वजनिक जर्नल के जगह पर ही ये सेवन जर्नल्स आ जाएंगे। कौन से सेवन जर्नल्स आ जाएंगे? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, कैश बुक पेटी कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। पहली चीज ये क्या है, व्हाट आर दीज सब्सिडरी बुक्स, दीज आर जर्नल ओनली। तो सर वो ओरिजिनल जर्नल का क्या हुआ जो अभी तक पढ़ा था? वो अभी नहीं रहेगा, जब आप सब्सिडरी बुक यूज कर रहे हो, सब्सिडरी बुक मतलब जब अपने जर्नल को डिवाइड कर रहे हो तभी ओरिजिनल जर्नल नहीं रहेगा, उसी के जगह पे सेवन सब्सिडरी बुक्स आ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्यों सर, क्यों डिवाइड किया? व्हाई हैव वी डिवाइडेड द जर्नल इनटू सेवन पार्ट्स? एक जर्नल से काम नहीं चल रहा था क्या? चल जाता है, छोटे बिजनेस में चल जाता है, बट जब साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, एक एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भी ज्यादा हो जाएंगे, आपके गुड्स के ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे, आपके कैश ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे, एसेट ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगे, तो हर एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज। सो इन ऑर्डर टू स्पेशलाइज इट, स्पेशलाइज का मतलब क्या, कि एक एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अगर एक पर्टिकुलर जर्नल में दिखेगा तो एनालिसिस बिकम्स इजियर, उसको कैच करना, मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना, स्टडी करना, रिकॉर्ड्स चेक करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड करके सब्सिडरी जर्नल बना रहे हैं।
अब मैं आपको अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बताऊंगा, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि काम कैसे इजी हो जाएगा। अभी पहला सब्सिडरी जर्नल होगा अपना परचेज बुक, ठीक है। परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, इन द परचेज बुक वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये चारों जर्नल है ना गुड्स के, पहले चार परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स। तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जितना गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदा है ना, वही ट्रांजैक्शन हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बस उसकी लिमिट खत्म। तो सर क्रेडिट सेल हुआ तो नया बुक है, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो परचेज बुक विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सर व्हाट इफ कैश सेल्स एंड कैश परचेज ऑफ गुड्स, तो वो जाने के लिए हमारे पास सेपरेट बुक है, दैट इज कैश बुक। हम लोग देखेंगे कैश बुक में कैसे करना है, कैश बुक में सब कैश ट्रांजैक्शन। सो व्हाट इफ पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, व्हाट इफ इट इज पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, क्रेडिट पार्ट विल गो इन परचेज बुक, कैश पार्ट विल गो इन कैश बुक, डिवाइड दैट ट्रांजैक्शन, पुट देम इन टू सेपरेट जर्नल्स। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। अभी स्पेशलाइजेशन के लिए ये करना पड़ता है अपने को। अभी स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, क्या मदद हुई इससे? तो आज आपका परचेज बुक आपने रखा हुआ है, उसमें आपने क्या किया हुआ है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया हुआ है। एंड इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू व्हाइल रिकॉर्डिंग इन द जर्नल एंड लेजर, ये जो अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है इसमें मेजोरिटी ट्रांजेक्शन एंड आपका ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स का ही होता है। पूरा लाइफ आपका एसेट का ट्रांजैक्शन बहुत कम रहता है, मेनली सब गुड्स ही रहता है। खर्चा भी आप महीने में एक दो बार पे करोगे, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी रेंट सैलरी सब पे कर दिया, मेजॉरिटी गुड्स, दिन भर सवेरे से रात तक गुड्स गुड्स गुड्स। तो अभी अगर आपको देखना है कि क्रेडिट में कितना, अच्छा हाँ, गुड्स का परचेज में भी 90% ट्रांजैक्शन विल बी ऑन क्रेडिट बेसिस, ओनली 10% विल बी ऑन कैश बेसिस। एज आई टोल्ड यू इन द प्रैक्टिकल बिजनेस, No person has that much amount of cash जो एडवांस में पेमेंट कर दे और गुड्स खरीद के बाद में बेचे। No, it's always on credit. It's a chain. You buy on credit, you sell on credit. Then you get the money, you pay it to your creditor. Again you buy on credit, you sell on credit. Get the money from debtor, pay off to the creditor. That's how the business cycle works. Okay? So आपने क्या कर दिया, specialization के लिए credit purchase अलग दिखा दिया। क्रेडिट परचेज अलग दिखा दिया, मतलब एक ही जगह पे ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स यू आर शोइंग। तो व्हेनेवर यू वांट टू चेक क्रेडिटर को कितना देना है या व्हाटएवर क्रेडिट परचेज हुआ, कितना टैक्स है, टीडीएस कितना हो गया, इनपुट जीएसटी कितना जमा हो गया परचेज का, वो सब डेटा आपको परचेज बुक से देखने मिल जाएगा। तो एक परचेज बुक विल गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। Obviously, small business it does not matter. Big businesses, if you want to check at a glance, ledger से नहीं मिलेगा ये data, क्योंकि purchase account में हम लोग दोनों record करते थे, cash purchase, credit purchase, दोनों की posting होती। तो ये खाली credit purchase का अपने को data चाहिए, तो we can directly refer to purchase instead of going to the ledger. Okay, ये भी मैं बताऊंगा इसका study कैसे करना है, analyze कैसे करना है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि परचेज बुक में कौन सा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। वही लाइंस पे सोच के बता सकते हो परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट। तो वही लिख सकते हो आप, ओनली परचेज रिटर्न्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न आर ऑलरेडी ऑन क्रेडिट, तो लफड़ा ही नहीं है कुछ। व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न बुक, ओनली ओनली सेल्स रिटर्न ऑफ सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स।
सर तो फिर एसेट वैसेट रिटर्न किया तो उसके लिए अलग बुक है जर्नल प्रॉपर, एसेट नहीं. एज आई टोल्ड यू दीज फोर बुक्स आर ओनली फॉर व्हाट, दीज फोर बुक्स आर ओनली फॉर गुड्स गुड्स एंड गुड्स. क्यों सर एसेट के लिए सेपरेट बुक नहीं, गुड्स के लिए सेपरेट बुक? तो भैया मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन किसके होते हैं? गुड्स के होते हैं. एसेट के तो गिने चुने ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके लिए अलग जर्नल बना के क्यों मेहनत करते? जिधर ज्यादा ट्रांजैक्शन है उधर सब डिविजन दिखाओगे तो काम आसान होगा ना तुम्हारा. इधर कम ट्रांजैक्शन है उसको तो मिला विला के एक जर्नल में दिखा दो, ढूंढना भी बड़ी बात नहीं है वहां. यू गेटिंग दैट? सो गुड्स के ट्रांजैक्शन को स्पेशलाइज करने के लिए ये चार बुक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, और यही आपके टैली में भी दिखता है. someone has operated tally or done some course on tally, then you or if someone has tally or want to know, so अभी आप जाके घर पे चेक कर लोगे ना तो आप टैली विंडो जब ओपन करोगे तो आपको ये सब्सिडरी बुक्स ही दिखाई दे. तो इन योर टैली यू एंटर द ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इन द सब्सिडरी जर्नल्स. ओके, देन द नेक्स्ट बुक इज कैश बुक. अब ये कैश बुक क्या है? एज द नेम सजेस्ट्स, कैश. व्हाट इट इज? कैश, रोकड़ा. सो ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, मैं इधर लिख देता हूं, कैश एंड बैंक दोनों आ गए. चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ड्राफ्ट, कैश और चेक, नॉर्मल चेक. ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन विल गो इन विच बुक? कैश बुक. कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस विल ऑल गो इन कैश बुक. लाइक योर एक्सपेंसेस पेड, योर इनकम्स रिसीव्ड इन कैश, एसेट्स परचेज्ड इन कैश, एसेट्स सोल्ड फॉर कैश, एसेट्स परचेज्ड फॉर चेक, एसेट्स सोल्ड फॉर चेक, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड बाय एनईएफटी, गुड्स सोल्ड बाय आरटीजीएस. ये सब कैश और बैंक दिखा रहे हैं आपको ट्रांजैक्शन में, कुछ बत्ती चमकनी चाहिए. दैट ट्रांजैक्शन विल गो इन विच बुक? कैश बुक. सो एज द नेम सजेस्ट्स कैश, टैली में इसके दो विंडोज होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट. तो कैश बुक जब आप चैप्टर लर्न करोगे तभी आपको वो भी पता चल जाएगा. तो कैश बुक हैज गॉट ओनली एंड ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन. Is that clear? Sir, but you said that we also have bank book. Like, yeah. That happens when the size of the business increases even further. If the size of the business increases even further, what does the business do? It maintains multiple bank accounts. It can have an account in Bank of Baroda, Kotak Bank, HDFC Bank, Punjab National Bank. तो अभी क्या हो जाएगा, वो कैश ट्रांजैक्शन भी बल्की हो जाएंगे, तो वो कैश बुक के भी दो टुकड़े कर देते हैं. देन वी रिकॉर्ड ओनली रोकड़ा कैश, गांधी बापू ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड ऑल द बैंक ट्रांजैक्शन इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड बैंक बुक. व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस यू डिवाइड योर कैश बुक इवन फर्दर इनटू कैश बुक एंड बैंक बुक. बट आपके सिलेबस में अभी कैश बुक और बैंक बुक दोनों नहीं है, यू हैव जस्ट कैश बुक वेयर यू रिकॉर्ड बोथ कैश and bank transactions. ठीक है? Then petty cash book. As the name suggests, petty. Petty means small cash transactions. Small cash. Small expense. Small incomes. So small cash transactions will go in petty cash. तो sir small क्या और big क्या? हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको दो अलग अलग चैप्टर्स ही हैं. जो कैश बुक का चैप्टर है उसमें सब कुछ कैश बुक में ही जाता है, जो पेटी कैश बुक का चैप्टर है उसमें सब कुछ पेटी कैश बुक में ही जाता है. तो सब प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ बिजनेस. फॉर सम बिजनेस 100 rupees अ स्मॉल अमाउंट एंड 10,000 rupees अ बिग अमाउंट. फॉर सम बिजनेस 10,000 rupees अ स्मॉल अमाउंट एंड 10 lakh rupees अ बिग अमाउंट. So according to the size of the business, they will demarcate. They'll say that कि भैया 10,000 के नीचे के entry हम लोग petty cash में डाल दें, या 5,000 के नीचे के entry हम लोग petty cash में डाल दें.
तो वो प्रैक्टिकली बिजनेस डिसाइड कर लेता है कितना कैश बुक में जाना चाहिए, कितना पेटी कैश में जाना चाहिए, सिंपल है। ओके, तो पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड मेनली फॉर स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर बिग वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन। आपको थियोरिटिकल पार्ट में जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सेपरेट क्वेश्चंस, वन ऑन कैश बुक, वन ऑन पेटी कैश बुक। टू सेपरेट चैप्टर्स यू हैव कैश बुक एंड पेटी कैश बुक, सॉरी आफ्टर दिवाली। क्या I'm not getting what are you saying? These chapter are in 11th or 12th. 11th, abhi after Diwali. All the subsidiary book ke hi parts hai sab. Subsidiary book chapters have been divided into three parts. Purchase, sales, purchase return, sales return. That is one. Cash book, another. Petty cash book, another. Three chapters. So last mein bacha abhi journal proper. तो जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करना है? तो जर्नल प्रॉपर इज सार्वजनिक। व्हाट इज सार्वजनिक? जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो और कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हो सकते। सिंपल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ ट्रांजैक्शन फॉर जर्नल प्रॉपर इज दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैनॉट बी एंटर्ड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक गिवन अबव द सिक्स बुक्स will go in journal proper. जो transaction ऊपर के छह book में नहीं fit होता है वो अपने आप आपका journal proper में चला जाएगा. Is this clear? अभी let's think and understand कि कौन से entries journal proper में जाएंगे. चलो मैं आपको example देता हूं, आप मुझे बताओ ये entries कौन से book में जाएंगे. आपको journal proper automatically समझ आने लगेगा. देखो, I tell you, purchased goods from Ram, कौन से बुक में जाना चाहिए? Purchase book. Sold goods to Ravi. Sales book. Because it is credit sale of goods. Paid for advertisement expense. Cash book. Because expense है. कुछ नहीं दिया तो कैश बुक, पेटी कैश है तो मैं बोलूंगा कुछ। रिसीव्ड 5000 रुपीज फ्रॉम अजय, कैश बुक। गिव अ चेक टू राम ऑफ रुपीज 10,000, कैश बुक। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, संजय रिटर्न्ड गुड्स टू अस, सेल्स रिटर्न्स बुक। ओके, वी रिटर्न गुड्स टू सुहानी, परचेज रिटर्न्स बुक। वी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, Cash book. We sold goods to Vijay on credit. Sales book. Ajay returned goods to us. Sales returns. Purchased machinery for cash from Rahul. Cash book. Purchased machinery on credit from Rahul. Journal proper. कुछ ये समझ में आया? Purchased machinery on credit from Rahul. अभी is it goods? No. So can it go in purchase book? No. Is it on cash basis? No. So can it go in cash book? No. So एक ही जगह बची ना सार्वजनिक, that is what? Journal proper. Obviously petty cash में तो machine डालोगे नहीं. तो journal proper में क्या जाता है? Credit, purchase of asset जाता है, goods नहीं है, asset. Credit purchase of asset जाएगा और क्या जाएगा? Opposite, credit purchase of asset, credit sale of asset.
ये भी जाता है जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि गुड्स के लिए तो ऊपर बुक है। एसेट अगर आपने क्रेडिट या क्रेडिट बेसिस पर परचेज या सेल किया है, दैट शुड गो इन विच बुक? जर्नल प्रॉपर। ओके, सैलरी पेबल एंड ऑल दैट, इट इज इन जर्नल। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सैलरी पेबल, व्हाट इज द एंट्री फॉर सैलरी पेबल? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। Can it go in either of the four books on top? No, goods nahi hai, discarded. So, bacha cash aur petty cash to hai hi nahi, petty cash sawal hi nahi hai, cash aaya gaya hai hi nahi, petty cash mein bhi cash transactions hi hai, to sawal hi nahi hai, to bacha gaya journal proper. So, income receivable, expenses payable, main idhar likh deta hu, expense payable. So, good loss in transit of learning. Very good, very good, very good. Expense payable, income receivable, then prepaid expense. Sorry, prepaid expense can come in cash book, but the adjustment entry of prepaid expense, that is expense to prepaid expense, that will go in journal proper. Adjustment entry of prepaid expense, adjustment entry of income received in advance, this will go in your journal proper. Insurance claim admitted. Insurance claim admitted. That's what she said just now. Goods lost and insurance claim admitted. Goods lost in transit. That entry will also go in goods lost. Goods lost by fire, floods, theft, with or without insurance. So, okay. Drawings. That will all go in journal proper. Yes, yes. Yeah. Drawings. Very good. Drawings. Bad debts. But agar drawings in, if it's on cash or like drawings to cash, hai, toh fir it will go in cash book. And but if it is goods withdrawn, drawings of goods, hai, so that will go in journal proper. Perfect. Hai. Take off other goods except for cash. Sorry. Capital. Of like. Introduced in the business. Very good. Capital introduced, but apart from cash, okay, cash to capital will go in obviously cash book. But agar goods to capital hai, furniture to capital hai, livestock to capital hai, capital introduced, that will also go in your journal proper. Absolutely right. Or bad debts. Very good example. What are bad debts? What is the entry for bad debts? On cash expense. It is a type of non-cash expense. Cash expense होता तो cash book में ही चला जाता. तो non-cash expense जितने भी है, bad debt is a type of non-cash expense. What are the other types of non-cash expenses? Discount allowed. So Depreciation. Okay. Loss on asset. Perfect. Loss on sale of asset or investment. Ye non-cash hai. Goods lost by fire, flood, theft, ufar dekha, wo bhi non-cash tha. Wo bhi non-cash income ho gaya. So non-cash incomes bhi kis mein chala jayega? Tumhara journal proper mein. Discount received. Okay. Profit on sale of asset investment. ये सब तुम्हारा जाएगा जेपी में. और कुछ याद आ रहा है? सब ब्रोकरेज, वो तो कैश बुक में जाएगा. ब्रोकरेज इस पेड गुड्स पे तो कैश में जाएगा ना, तो कैश दैट विल बी इन कैश. एक्सपेंस पेड इन कैश. आउटपुट इनपुट जीएसटी हो. आउटपुट इनपुट जीएसटी अभी आपने कैश में खरीदा तो कैश बुक का पार्ट हो जाएगा. कैश बुक में सेपरेट कॉलम्स होते हैं टैक्सेस के. और अगर क्रेडिट पे गुड्स खरीदा तो ऊपर सब्सिडरी बुक में चला जाएगा. यू हैव सेपरेट कॉलम फॉर टैक्सेस इन परचेज बुक, सेल्स बुक. उसी का इंश्योरेंस ऑन गुड्स. हाँ, वो आ गया ना यहाँ पे. गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड. एडवर्टाइजमेंट अगर कैश में है तो कैश बुक, बट अगर और भी एक आपने एंट्री किया हुआ है जर्नल में. सबसे पहली एंट्री साल के बिगनिंग में क्या करते थे आप? ओपनिंग एंट्री का फॉर्मेट है एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल. दैट एंट्री विल ऑल्सो गो इन जर्नल प्रॉपर.
Then in the last chapter we learn something what is called as closing entry. जैसे opening entry होता है वैसे closing entry भी learn करेंगे हम लोग. ये भी जाएगा journal proper में. और एक chapter हम लोग बीच में learn करेंगे that is rectification of errors. Rectification of error मतलब rectification मतलब कुछ mistake हो गया तो उसको rectify करना है books of account. छिक छाक करके cancel करके दूसरा entry नहीं लिख सकते. Rectification के लिए अपने को separate journal entry लिखना पड़ता है. उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशन एंट्री. ओके रेक्टिफिकेशन एंट्री सेपरेट एंट्री पास करके ओरिजिनल एंट्री को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं. रेक्टिफिकेशन एंट्री ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडजस्टमेंट एंट्री. ये भी हम लोग लास्ट चैप्टर में लर्न करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री. ये काफी सारे एंट्रीज के टाइप्स हैं. दे विल ऑल गो इन योर जर्नल प्रॉपर. दे विल ऑल गो इन योर जर्नल. इसमें इसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है. आपको लॉजिक मैंने बताया हुआ है. जर्नल प्रॉपर का लॉजिक क्या है? इट इज लाइक ऑड मैन आउट. जस्ट डिडक्ट डिडक्शन के रूल से जाओ. कोई और बुक में फिट नहीं हो रहा है परचेज बुक सेल्स बुक रिटर्न बुक उसके तो गोल स्पेसिफिक है. परचेज बुक में व्हाट डू यू रिकॉर्ड? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. सेल्स बुक में व्हाट डू यू रिकॉर्ड? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. परचेज रिटर्न वी रिटर्न द गुड्स ऑन क्रेडिट. Sales return, we got the goods returned from debtor on credit. Cash book, cash and bank transactions. And petty cash book, small value cash transactions. So, yahan pe fit nahi ho raha hai. So, automatically that entry will be going to journal proper. That clear? So, ye journal proper ka koi separate chapter nahi hai. Ye har ek chapter mein aate rahega. Okay, side hero hai. So, har ek chapter mein dikhega. Subsidiary book mein bhi aayega abhi. कैश बुक में भी आएगा पेटी कैश बुक में भी आएगा सब बुक्स में दिखेगा सब चैप्टर में दिखते रहे सार्वजनिक. ओके जर्नल प्रॉपर. इज दिस पार्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? कंफर्टेबल? अभी इस चैप्टर में अपने को कौन से चार बुक्स लर्न करने हैं? तो वी हैव टू लर्न परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न. दिस पर्टिकुलर चैप्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्सिडरी we'll be doing only four books right now. Okay, so let's focus on these four books. I'll tell you how to solve the sums. Sums ke saath hi main aapko batata hu seedha kaise solve karna hai, kaise entries karne hai books mein. So you take apna class notes. Class notes mein you take the sum number. क्लास नोट्स में टेक सम नंबर 7. इसका फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ. आराम से पहले देख लो फिर ड्रॉ करना. आपका भी हेडिंग हो जाएगा इन द सब्सिडियरी बुक्स ऑफ इंस्टेड ऑफ in the journal of yeah in the subsidiary in the books of you will write in the subsidiary books of Ramanand Cloth Merchant. ek hi side pe charo subsidiary books aapke fit ho jayenge. your for 7th sum 43 page 43 sum number 7. This is how your format of a subsidiary book will look like. Now this is a simple subsidiary book without GST. theek hai subsidiary mein GST nahi hai aapko. It is only taken by Podar. Okay, so ye saal to I doubt they'll take that also. But still for practice, we will do end में एक दो सम analytical subsidiary book बोलते हैं उनको. So this is a simple subsidiary book. All other colleges have simple subsidiary book. So no tension. Only Podar has analytical subsidiary. But it's better if you learn that because on in tally and all you have analytical subsidiary with tax. With tax you record the transaction with GST. तो ये होता है आपका सिंपल सा सब्सिडरी बुक का फॉर्मेट. इसके हम लोग चार पार्ट्स कर देते हैं.
one for each. This is purchase book. First one. चारो बुक का फॉर्मेट सेम है. परचेज सेल्स परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स. डेट क्योंकि डेट वाइज होता है. इट्स अ जर्नल क्रोनोलॉजिकल. अभी यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं लिखना है आपको. परचेज बुक में डोंट राइट पर्टिकुलर्स. ओके सो आई विल राइट द नेम्स ऑफ द बुक सो यू गेट एन आइडिया. परचेज बुक सेल्स बुक. सो व्हाट आर द कॉलम्स फॉर like the name of the columns. I'm writing that. Purchase book, sales book, purchase returns book, and sales returns book. The column heads would be date, then purchase book है ना purchase. तो purchase book में हम लोग ये theoretical part के लिए. tally में तो normal journal entry करते हो आप purchase to creditor. तो यहाँ पे थियोरिटिकल पर्पस के लिए जब फिजिकल बुक्स मेंटेन होते हैं ना तो आप पूरी एंट्री नहीं करते हो. आप यहाँ पे खाली लिखते हो नेम ऑफ द सप्लायर. नेम ऑफ द सप्लायर. नेम ऑफ द सप्लायर या नेम ऑफ द क्रेडिटर. ओके फिर आता है यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर. ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बाद में. और फिर आता है एल एफ क्योंकि ऑब्वियसली जर्नल है तो जर्नल में लेजर फोलियो होता है एंड अमाउंट रूपीज. फिर सेल्स बुक में भी सेम डेट. अभी सेल्स आप किसको करते हो डेटर को करते हो. तो यू राइट योर नेम ऑफ द कस्टमर. कस्टमर लिखो या डेटर लिखो. फिर आएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. ये आउटवर्ड इनवॉइस भी मैं बताता हूँ क्या चीज है. और फिर आता है एलएफ और फिर आता है अमाउंट. तो बाकी सब फॉर्मेट पूरा सेम है. डेट अभी वापस देखो. परचेज रिटर्न किसको करोगे आप. कस्टमर को कि सप्लायर को. हु डू यू रिटर्न द गुड्स यू हैव बॉट. सप्लायर. तो यहाँ पे आ जाता है नेम ऑफ द सप्लायर. नेम ऑफ द सप्लायर. और यहाँ पे आता है डेबिट नोट नंबर. डेबिट नोट नंबर एल एफ अमाउंट. और द लास्ट बुक इज सेल्स रिटर्न बुक. सेम हेड डेट. सेल होता है कस्टमर को तो नेम ऑफ द कस्टमर. कस्टमर नेम ऑफ द कस्टमर या नेम ऑफ द डेटर. एब्सोल्युटली फाइन. देन वी हैव क्रेडिट नोट नंबर एल एफ एंड अमाउंट. रॉक एक बुक के लिए कितना लाइन है. जजमेंट लेके कर दो ना. वन इक्वल वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन. 7 to 8 line I think. 30 lines ka hota hai na aapka notebook. 7 to 8 lines you can leave on judgment. Ek hi side pe charo books draw kar lo. Main batata hu fir abhi column heads ke meanings. Draw kar lo sab log. Format to samajh mein. Alignment samjha. Date ke liye margin use kar lena. Aur jitna date hai. Jitna date ka size hai. Utna hi ye size rahega. इनवर्ड इनवॉइस और अमाउंट. एल एफ तो पतला सा है उसको नहीं भरना है. पर्टिकुलर बड़ा बना देना सर. पर्टिकुलर के जगह नेम्स. रिकॉर्डिंग पार्ट इज वेरी सिंपल इन सब्सिडरी. आप एक सम देखोगे आपको लगेगा ये क्या है. सेकेंड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट कर लेगा ऐसा. विराली पलक पूजन पूजन को क्या प्रॉब्लम है. व्हाई डू टर्न ऑफ द वीडियो पूजन. कोई नजर नहीं लगाएगा तेरे को.
निशांत पारेख दूसरा हीरो अपना आर यू देयर निशांत पलक किया ड्रॉ Now listen. ये फॉर्मेट है आपका थियोरिटिकल परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स बुक का फोर सब्सिडरी बुक्स ओके इस चैप्टर में मेनली आप यही चार ही लर्न करोगे जहां पे आपने गुड्स का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है ठीक है अच्छा व्हाट टाइप ऑफ परचेज सेल एंड रिटर्न वी रिकॉर्ड ओवर हियर कैश और क्रेडिट क्रेडिट तो सर अगर क्वेश्चन में कैश परचेज आ गया तो लोग क्या करें तो कैश परचेज कौन से बुक में जाता है कैश बुक तो हम बना नहीं रहे विल मेक अ नोट फॉर दैट We'll have to write it in a form of note just below the sum. Okay, I'll show it to you. A simple note, you can mention it in your own words that it's a cash transaction, hence will be recorded in cash. What is sir journal proper ka koi entry aa jaye? So journal proper ka bhi note mein likh sakte ho. Okay, yeah, some colleges they ask you to make journal proper, like Podar and Somaiya, they will tell you to make a journal proper. तो मैं आपको दोनों चीजें बता दूंगा जर्नल प्रॉपर ड्रॉ करके भी बता दूंगा और नोट भी बता दूंगा ओके तो सम कॉलेजेस दे प्रेफर नोट सम कॉलेजेस दे आस्क यू टू मेक जर्नल प्रॉपर ठीक है वी विल डू इट अकॉर्डिंगली नीड नॉट वरी अबाउट दैट नॉट अ बिग डील मेन फोकस शुड बी ऑन दीज फोर बुक्स दैट इज परचेज बुक सेल्स बुक एंड रिटर्न बुक अब सबसे पहला परचेज बुक अब अगर फॉर्मेट देखोगे ध्यान से तो क्या दिया हुआ है आपको पहले डेट दिया हुआ है फिर नेम ऑफ द सप्लायर दिया हुआ है फिर एलएफ अमाउंट तो लास्ट में किया हुआ है सिंपल है लेजर फोलियो फॉर क्रॉस चेकिंग एंड अमाउंट बीच में एक इनवर्ड इनवॉइस नंबर व्हाट आर दिस इनवर्ड इनवॉइस नंबर व्हाट इज दिस आउटवर्ड इनवॉइस नंबर डेबिट नोट नंबर क्रेडिट नोट नंबर यहां से आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का नंबर आ जाता है बुक्स ठीक है अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है देखो मैंने आपको बुक कीपिंग शुरू करते हुए बताया था एवरी ट्रांजैक्शन विच वी रिकॉर्ड इन बुक कीपिंग शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बिना कोई ट्रांजैक्शन वर्थवाइल नहीं होता वैलिड नहीं होता कोई भी ट्रांजैक्शन का वैलिडिटी कैसे प्रूव होता है कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है कि नहीं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है ठीक है तो ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं ड्रॉ करने हैं वो भी हम लोग लर्न करेंगे आगे फिलहाल आपको प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ याद है ये सिस्टम ये आपको मैंने प्रोसेस बताई थी फिर रिमेम्बर ये शुरुआत कहाँ से होती है ट्रांजेक्शन की पहले जो बायर होता है ना वो इंक्वायरी करता है सेलर से कि आपके पास ये टाइप के गुड्स हैं कि नहीं तो वो इंक्वायरी लेटर भेजता है फिर सेलर उसको अपने ब्रोशर और कैटलॉग्स बेचता है कि भैया ये हमारे पास है ऑफर करने के लिए तो अभी समझो पेंट का मैंने एग्जांपल दिया था बायर पूछेगा आपके पास ये ग्रे कलर का ये पेंट है या पर्पल कलर का ये पेंट है तो सेलर अपने ब्रोशर कैटलॉग बेच देगा बायर को फिर बायर वो ब्रोशर कैटलॉग देख के और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करेगा तो प्लेसिंग एन ऑर्डर होता है फ्रॉम बायर टू सेलर एक ऑर्डर फॉर्म भर के वो दे देगा सेलर को और सेलर उस ऑर्डर फॉर्म के बेसिस पे गुड्स बनाएगा
गुड्स बनाएगा और गुड्स डिस्पैच कर देगा, सेल कर देगा बायर को. तो जब सेलर विल सेल द गुड्स टू द बायर, दैट टाइम वो एक बिल भी भेजेगा साथ में. ऑब्वियसली व्हेन एवर यू सेल गुड्स यू सेंड अ बिल अलोंग, दैट बिल इज कॉल्ड एज एन इनवॉइस. दैट बिल इज कॉल्ड एज एन इनवॉइस. ओके, उस बिल को ही इनवॉइस बोलते हैं या क्रेडिट मेमो बोलते हैं ना. तो बिल का मतलब होता है इनवॉइस या क्रेडिट मेमो. बिल या इनवॉइस या क्रेडिट मेमो, इट इज वन एंड द सेम. विदुषी, यू हैव लॉग्ड इन फ्रॉम टू अकाउंट्स. विदुषी, आर यू देयर? Logged in from two accounts or what? Yeah. So, I'll remove the other one. Vidushi. What happens initially, starting se dekhte hain wapas. Buyer will send a inquiry, seller will send quotations, catalogs, brochures, buyer will place an order, seller will dispatch the goods based on those orders. Okay, jab dispatch karega uske sath bill bhej dega, that bill is called as an invoice. That bill is called as an invoice. Theek hai. तो सेलर के लिए वो बिल दो कॉपी में बनाएगा. वही बिल सेलर के लिए आउटवर्ड इनवॉइस गिनाया जाता है और बायर के लिए वही बिल होता है इनवर्ड इनवॉइस. आर यू अंडरस्टैंड? सपोज आई एम अ पेंट डीलर, तो मैंने अगर किसी को सेंड किया है गुड्स तो आई विल सेंड अ बिल, राइट? साथ में भेजूंगा. तो दैट इज कॉल्ड एज एन आउटवर्ड इनवॉइस फॉर मी. So whenever I sell goods on credit and the bill which I send along, that's called as an outward invoice. That is a proof of credit sale. And whenever I buy goods, I will get a bill obviously. That is a proof that I have purchased. That is called inward invoice. Outward invoice, inward invoice. Outward invoice, inward invoice. Outward invoice is at the time of sale. Inward invoice is at the time of purchase. Are you getting that? Outward invoice is at the time of sale. Inward invoice is at the time of purchase. तो वो जो इनवॉइस जनरेट होता है ना, बिल जनरेट होता है ना, उस पर एक पता है आपको सीरियल नंबर लिखा होता है. आपने अगर ध्यान से कोई बिल उठा के देखा होगा, 4 digit, 5 digit, 6 digit सीरियल नंबर रहते हैं. तो वो सीरियल नंबर हमें ये कॉलम में फिलअप करने हैं अगर अपने को वो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी गई है तो. अगर प्रॉब्लम में इन्फॉर्मेशन नहीं है, विल सिंपली इग्नोर द बिल नंबर. हर एक प्रॉब्लम में होंगे भी नहीं. बात समझ आ रही है? तो बिल नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं. तो ये बात पहले दिमाग में क्लियर रखना, आउटवर्ड इनवॉइस कब होता है और इनवर्ड इनवॉइस कब होता है. ये समझा आपको? आउटवर्ड इनवॉइस कब होगा? सेल के वक्त होगा कि परचेज के वक्त होगा? सेल्स. सेल के वक्त, ठीक है. गुड्स बेचते हो, इनवॉइस भी सेंड करोगे आप सेलर हो तो आप बिल जनरेट करके सेंड करो. और अगर आप परचेज कर रहे हो तो इनवॉइस आएगा, तो इट्स कॉल्ड इनवर्ड इनवॉइस. अच्छा, इनवॉइस का दूसरा नाम क्रेडिट मेमो. Another name for invoice, उसको बिल भी कहा जाता है या क्रेडिट मेमो भी कहा जाता है. It is one and the same. Invoice, bill and credit memo. बात समझ आई? अभी ये सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है. अभी परचेज करने के बाद मैंने 10 कंटेनर्स ऑफ पेंट ऑर्डर किए थे, इसमें से 2 कंटेनर डिफेक्टिव निकले. तो वट एम आई सपोज टू डू? I'll return those 2 containers to my seller back. So for me it will be purchase return, and for sorry, for him it will be what? Sales return. So for me it will be purchase returns, right? So main purchase return ki kya entry karunga? The party account debit to purchase returns account. Agree? So party account debit to purchase return account. Whatever is the amount, 5,000, 10,000 rupees. Party account debit to purchase return account, 5,000, 10,000.
तो उसका प्रूफ क्या? As I told you, हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए. परचेज किया तो बिल हुआ, सेल किया तो बिल हुआ. परचेज रिटर्न का प्रूफ क्या? परचेज रिटर्न का प्रूफ होता है डेबिट नोट. हम लोग समझो, मैंने मेघा से गुड्स खरीदा था और मेघा को मैंने रिटर्न किया है गुड्स, तो मेरे बुक में एंट्री आ गया मेघा टू परचेज रिटर्न्स. तो आई एम डेबिटिंग मेघाज अकाउंट. तो मैं उस गुड्स के साथ एक नोट अटैच करके भेजूंगा, उसमें लिखूंगा कि मेघा आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट विद 5,000 rupees फॉर द गुड्स रिटर्न बाय मी. मैंने आपको ये गुड्स रिटर्न किया, उसमें गुड्स की डिटेल विटेल सब बना के दे दूंगा और बोलूंगा प्लीज एक्नॉलेज. और वो नोट को कहते हैं डेबिट नोट. उस नोट को कहते हैं डेबिट नोट. तो व्हेनेवर वी रिटर्न द गुड्स टू समवन एल्स, वी विल सेंड अ डेबिट नोट अलोंग एज अ प्रूफ. कल उठ के कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि भैया बिना प्रूफ के आप कर रहे हो. रिकॉर्ड्स है भैया, बनाया हुआ है प्रूफ, आपने एक्नॉलेजमेंट किया हुआ है. वो सामने वाले पार्टी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा उसको, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए परचेज रिटर्न है, तो हमने तो प्रूफ बना के दे दिया. बिल बिल आया था, उसके बेसिस पे हमने डेबिट नोट बना के दे दिया. डेबिट नोट इज द प्रूफ ऑफ परचेज रिटर्न. अभी सामने वाले पार्टी के लिए भी प्रूफ चाहिए, क्योंकि मेघा के लिए वही चीज क्या है? मेरे लिए परचेज रिटर्न है, मेघा के लिए क्या है? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न का क्या प्रूफ? उसको भी कुछ डॉक्यूमेंट बना के मेरे को सेंड करना पड़ेगा. तो वो क्या भेजेगी मेरे को? तो मेघा विल सेंड मी क्रेडिट नोट. मेघा विल सेंड मी अ क्रेडिट नोट. क्यों? क्योंकि इमेजिन करो, आपका सेल्स रिटर्न हो रहा है, समझो अगर आपके पास रिटर्न आ रहे हैं गुड्स, तो क्या जर्नल एंट्री करोगे आप? रिटर्न टू पार्टी अकाउंट. सेल्स रिटर्न टू पार्टी. सेल्स रिटर्न टू पार्टी, बराबर है? तो आप सामने वाले पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका प्रूफ आप क्या बना के भेजते हो? क्रेडिट नोट बना के भेजते हो. That is the acknowledgement given by the seller to the buyer. So, whenever buyer returns some defective goods, he will send a debit note. And the seller, whenever he gets the goods back, he will send a credit note. He will send a credit note. So, in short, agar hum log purchase return kar rahe hain, to hum log debit note bhejenge. और हमारे पास अगर सेल्स रिटर्न आ रहा है ना, किसी और का सेल्स रिटर्न, तो हम लोग उसको क्रेडिट नोट बना के भेजेंगे. ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट चलते ही रहता है गुड्स के साथ, एज अ प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि भैया इतने वैल्यू का डिफेक्टिव गुड्स यहाँ पे से यहाँ पे गया है, इतने वैल्यू का डिफेक्टिव गुड्स यहाँ पे से यहाँ पे गया है. ये प्रूफ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. हु सेंड्स अ डेबिट नोट टू हुम? पहले ये सोच लो अच्छे से. हु विल सेंड अ डेबिट नोट टू हुम? Buyer to seller. Buyer will send a debit note to the seller. Buyer will send a debit note to the seller as a documentary evidence. कि भैया मैंने आपका अकाउंट डेबिट किया, ये लो मैं आपको इतना पैसा कम दूंगा. ये प्रूफ है, ये गुड्स के साथ में भेज रहा हूं आप, ठीक है? Seller in return will acknowledge. How we will acknowledge? By sending a what? Credit note. He will send me a credit note in return. Okay? Achha. Whenever someone else will send me a debit note, I should send a credit note. It's always like this. It's a two-way thing. Whenever you send a debit note, you will get a credit note. Whenever you send a credit note, you will get a debit. आप डेबिट नोट कब सेंड करोगे? When we are returning the goods, we'll send a debit note. When we are returning the goods, we'll send a debit note. ये बात समझ में आई? When we return the goods, we send a debit note. When we return the goods, we send a debit note. तो in your purchase return book, you will show debit note as the proof of transaction. आप क्या बना के भेजोगे? डेबिट नोट. आपका प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन है डेबिट नोट. इज दिस क्लियर? इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न आप क्या बना के भेजोगे? सोचो.
In case of sales returns, what you will send? Credit. You will get a debit note, but you will send a credit note. So what number you will show in your sales return book? Credit note number. That's your documentary evidence. You understand? So ये documentary evidence के number है और कुछ नहीं है. जो bill generate होते हैं ना, वो bill के number है. Invoice का मतलब bill. फिर जो note generate होते हैं, वो note के number है. तो debit note in case of purchase return, credit note in case of sales return. Are you getting that? Whenever we send a debit note, what we will get in return? Credit note. तो परचेज रिटर्न बुक में कौन सा नंबर नोट करोगे आप? डेबिट नोट नंबर की क्रेडिट नोट? डेबिट नोट. वी आर प्रिपेयरिंग वो अपने साइड का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. वो सामने वाला जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसके साइड का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इज दिस क्लियर? इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न व्हाट डू वी प्रिपेयर एंड सेंड? Credit note. We prepare and send credit note. तो सामने वाला पार्टी क्या सेंड करेगा अपने को? Debit note. Sales returns के वक्त we will send a credit note and सामने वाला पार्टी will send a debit note. Confusion हो रहा है ना इसमें, तो एंट्री याद रखो. सेल्स रिटर्न में एंट्री क्या होती है? पार्टी क्रेडिट हो रहा है ना, तो आप क्रेडिट नोट भेजोगे. क्रेडिट नोट. परचेज रिटर्न में एंट्री क्या होता है? पार्टी टू परचेज. तो पार्टी को डेबिट कर रहे हो, तो डेबिट नोट नंबर भेजोगे. इज दिस क्लियर? वैसे ही जब आप सेल कर रहे हो तब आप क्या सेंड करोगे? व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हाट डू यू सेंड अलॉन्ग विद दैट एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? Outward invoice. That's what you prepare and send, right? That's your documentary evidence. Outward invoice. Whenever you purchase, do you send anything? Do you prepare and send anything at the time of purchase? No. So purchase ke waqt hi ek aisa proof hai, that is inward invoice. Inward invoice matlab wo samne wale party se aaya hua hai. Humne kuch banaya hi nahi hota. Hum kuch acknowledgement nahi karte wahan pe purchase ke waqt. तो परचेज के वक्त इनवर्ड इनवॉइस मतलब जो मिला है वो प्रूफ है. बाकी तीनों जगह पे सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, इसमें प्रूफ क्या है? जो हम बनाते हैं वही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है. परचेज के वक्त हम कुछ बनाते नहीं है डॉक्यूमेंट, हमें मिलता है, बिल मिलता है. दैट इटसेल्फ इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इज दैट क्लियर? तो परचेज के वक्त इनवर्ड इनवॉइस, बाकी तीनों सेल्स आउटवर्ड इन सेल्स के वक्त आउटवर्ड इनवॉइस बना के भेजा, परचेज रिटर्न के वक्त डेबिट नोट बना के भेजा, सेल्स रिटर्न के वक्त क्रेडिट नोट बना के भेजा. सब हम लोग जो बना के भेजते हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट्री है. इज दिस क्लियर? परचेज के वक्त क्यों कुछ बनाया नहीं? परचेज के वक्त कुछ बनाता ही नहीं है बायर. परचेज के वक्त खाली उसको बिल मिलता है जिसके बेसिस पे वो पेमेंट कर देता है. इज दिस क्लियर? बाकी सब जगह पे यू विल हैव in your own books whatever document you prepare, your documentary evidence. Acha, now ye hai aapka simple subsidiary book, ekdam simple, okay, jo aapko theory mein. Practically is subsidiary book mein khali itne se column nahi hote, there are around 10-11 columns. There is input CGST, input SGST, there is IGST, there is total GST column, there is chalan number, delivery order number, there is order placed hai to uska number, then you have samne wale party ka acknowledgement credit note number, samne wale party ka acknowledgement debit note number, fir aapko creditor ka pending dues, debtor ka pending dues, ye sab dikhta hai yahan pe subsidiary book mein, jo analytical subsidiary book hota hai. Theek hai? But apne ko analytical subsidiary book nahi hai, we are just making a simple subsidiary book, remember that. एनालिटिकल है ही नहीं है, कोई भी कॉलेज को नहीं है अभी. तो सी एंड ऑल व्हेन यू डू इट आर्टिकलशिप एंड ऑल यू विल गेट टू सी दैट. अदरवाइज ये सिंपल सब्सिडरी बुक ही अभी आपको सिलेक्ट. ठीक है? तो पहला पार्ट डॉक्यूमेंट आपको ये डॉक्यूमेंट पे मैं इसके लिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ
क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन में दे देगा रिसीव्ड एन इनवॉइस, आपको बोलेगा नहीं परचेज, आपको बोलेगा रिसीव्ड एन इनवॉइस, म्हणजे काय परचेज गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट, क्रेडिट इनवॉइस इज अ प्रूफ ऑफ ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नॉट ऑफ कैश. तो कैश परचेज का प्रूफ क्या होता है उसको कैश मेमो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैश मेमो. कैश मेमो इज अ बिल फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स. ओके, कैश ट्रांजेक्शन का बिल जो जनरेट होता है इट्स कॉल्ड कैश मेमो. सो क्रेडिट मेमो दिया इनवॉइस. अच्छा मैं आपको बोलूं सेंट एन इनवॉइस. सेंट एन इनवॉइस का मतलब क्या हुआ? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. सेंट एन इनवॉइस मतलब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. रिसीव्ड एन इनवॉइस मतलब सेंट एन इनवॉइस मतलब सेल. सेंट अ डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न. डेबिट नोट तो चमक में आना चाहिए कि हाँ हमने क्यों भेजा डेबिट नोट, क्योंकि हमने सामने वाले पार्टी को डेबिट किया. सामने वाले पार्टी को डेबिट क्यों करोगे? क्योंकि गुड्स रिटर्न किया. तो परचेज रिटर्न हुआ है तो सेंट अ डेबिट नोट. व्हाट इफ इट इज सेंट अ क्रेडिट नोट? सेल्स रिटर्न हुआ है तो यू विल सेंट अ क्रेडिट. व्हाट इफ इट इज गिवन रिसीव्ड अ डेबिट नोट? सेल्स रिटर्न. रिसीव्ड अ डेबिट नोट मतलब सेंट अ क्रेडिट नोट, इट इज सेल्स रिटर्न. What if it is received a credit note? Purchase. बात समझ आ गई? तो कभी कभी ट्रांजेक्शन में परचेज सेल डायरेक्टली नहीं दे देगा, डॉक्यूमेंट के थ्रू दे देगा. तो अपने को बुक के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस याद रखना है. परचेज बुक का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? इनवर्ड इनवॉइस. सेल्स बुक में क्या आएगा? आउटवर्ड इनवॉइस. परचेज रिटर्न में क्या आएगा? डेबिट नोट. एंड सेल्स रिटर्न में आएगा क्रेडिट. इज दैट क्लियर? Hello. Now, let's start with the transaction number one, seventh sum. Now, from the particular given below, prepare purchase book, sales book, purchase return book, sales return book of Ramanand Cloth Merchant. Clear cut diya hua is a cloth merchant. What is that hint? What does that indicate? Any buying and selling of cloth is good. Koi bhi tarah ka cloth ka deal ho raha hai na, to wo goods hai uske liye. शर्ट पैंट साड़ी कुर्ता पजामा बेडशीट कुछ भी क्लॉथ हो गया दैट इज ऑल गुड्स फॉर इन. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी 2010 ध्यान से देखो बाद में कॉपी करना. फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी 2010 परचेस्ड क्लॉथ वर्थ 9000 फ्रॉम अंबिका मिल्स. व्हाट इट इज? कौन से बुक में जाना चाहिए? परचेज बुक में जाएंगे हम लोग. फर्स्ट फरवरी 2010 इज द डेट. ओके अभी इन योर टैली एंड इन प्रैक्टिकल सेंस वी एक्चुअली पास अ जर्नल एंट्री ओवर देयर. परचेज बुक में करते हैं बट जर्नल एंट्री करते हैं. क्या एंट्री होगी इसकी? परचेज टू अंबिका मिल्स, राइट? बट इन योर थियोरिटिकल सब्सिडरी एंट्री नहीं करनी है बेटा. क्या करना है? खाली लिखना है अंबिका मिल्स, संपल. अकाउंट भी नहीं, टू बाय कुछ नहीं, सिर्फ नाम. देखो मैंने क्या लिखा है ऊपर, देखो देखो जरा देखो. नेम ऑफ द सप्लायर, only the name, nothing else. This is how the theoretical subsidiary books are made, only the names. Why only the names? Iska bhi main bataunga aapko reason aage. Ye inward invoice number kuch diya hai kya? Bill number wahan pe padho, kuch nahi diya. Amount likh do 9000 rupees, bas ho gaya aapka kaam tamam. Pehla entry khatam. अब वाइस और ओनली नेम्स देखो. अभी मैं दो तीन करने के बाद वापस एक और बार बताता हूं तो इजी हो जाएगा थोड़ा. दो तीन एंट्रीज के बाद बताता हूं. चलो सोल्ड क्लॉथ वर्थ 5500 टू हेमंत एंटरप्राइजेस. टेल मी व्हाट इट इज.
goods or credit. Goods sold on credit basis. Agree. Which book you will enter it in? Sales book. थोड़ा अलर्ट रहना यहाँ पे, बीच बीच में जेपी भी घुस जाता है, जर्नल प्रॉपर की एंट्रीज भी आ सकते हैं. तो सेल्स बुक में जाएगा तो 3rd of February 2010. क्या लिखना है भैया? नेम, नाम ही काफी है. हेमंत एंटरप्राइजेस 5500. आउटवर्ड इनवॉइस नंबर तो दिया नहीं है, 5500 लिख दो, खत्म. Bought cloth from Century Mills. What it is? Purchase book. तो 7/2/2010 purchase book में चले जाओ. Purchase book में क्या लिखोगे? Century Mills. How much you will write? 3500. Bought cloth from Swadeshi Mills. क्या हो गया ये? Purchase book again. Credit purchase हो गया. Date is 9th February 2010. Swadeshi Mills. Amount is 2500. अब देखो, ये सभी मैं खाली नाम लिख रहा हूँ, only names. But क्या आप मुझे बता सकते हो इन सभी तीनों नामों की entry क्या है? इसीलिए हम घड़ी घड़ी नहीं लिखते, इसीलिए खाली नाम लिख देते हैं. घड़ी घड़ी हजाम पट्टी करने की जरूरत नहीं है. ओके, वी नो इफ अ नेम इज इन परचेज बुक द एंट्री इज बाउंड टू बी परचेज टू पार्टी. If your name is in sales book, the entry is bound to be party to sale. If your name is in purchase return book, it is party to purchase return. For all the names, entry is same. So again and again we don't write. That's why we write only shortcut names. Kahani khatam. Abhi idhar silly mistake mein kya karte hain koi koi student? Account likh ke aate hain. Swadeshi mill account, Century mill account, Yerul account, Khazana book account. Sir, why don't we write account also? Don't write account. Theoretical purpose. Theory में ऐसे ही बनता है, जो चोपड़ा पूजन manual books होता है ना, उसमें ऐसा ही होता है subsidy. Tally पे ये सब account में दिखेगा और journal entry के form में ही दिखेगा. But theory के लिए ये format है. You'll have to stick to this format. Okay? डोंट राइट अकाउंट, डोंट राइट टू. किसी किसी का हैबिट होता है टू अंबिका, टू सेंचुरी, टू स्वदेशी. ये टू आपको बहुत भारी पड़ जाएगा. सब कुछ राइट होते हुए वो टू बाय अकाउंट लिख दिया, आधा मार्क गुल, 10 में से 5. खाली नाम, इसके लिए मैंने हेडिंग में भी दिया हुआ है नेम, नेम ओनली नेम. ओके, नेक्स्ट वन. रिटर्न्ड sold cloth to Jain cloth stores. Which book? Sales book. 12/2010. You will just write the name Jain cloth stores. This is 3000 in the amount. No bill number over here. Keep it blank. Most of the sums, the documentary evidence will remain blank. Returned cloth worth 500 to Century Mills as it was defective. Which book? Purchase return book. Very good, because we have returned. सबको समझ आया ये? क्या लिखना है? खाली नाम. Century Mills. Amount is 500 rupees. Then, return one bale of cloth to Swadeshi Mills as it was not as per the sample. Again, we have returned. So, which book? Purchase returns book. Swadeshi Mills. Purchase return book. Swadeshi Mills. That will be 16th. Date is 16. And 500 rupees. Got it? Jain cloth stores returned to us cloth worth 1000. Sales return. Okay. That is on 20th. So that will be Jain cloth stores
That will be 1,000 rupees. Perfect. Sold cloth worth 1,000 to Mrs. Sancheti Brothers. Which book? Sales book. Sancheti. Mrs. Sancheti Brothers. That is how much? 1,000 rupees. And this is on 22nd. Bought one table worth 750 from Ramanand Furniture Mart. अलर्ट रहने का तो मैं पहले आपको नोट फॉर्म में दिखा देता हूँ. ओके, नोट फॉर्म में कैसे दिखाना है इसको, एंट्री को नोट लिखना है. क्या नोट लिखोगे? परचेज ऑफ transaction on 25th is a credit purchase of furniture, hence will be recorded in journal proper. ठीक है, transaction is a credit purchase of furniture will be recorded in journal proper. Now this is followed by almost all the colleges. Okay, Pudar B, sometimes it follows this, but sometimes it may ask you to make a journal proper. Okay, so agar aapko journal proper draw karna hai to journal proper ka format kaisa hai, to bada hi simple hai, aapko pata hai already journal proper ka format, jo sarvajanik journal ka format hai, that is exactly similar to your normal journal. Journal proper आपका normal journal का format है और कुछ नहीं है. The same journal proper format you can show date particular LF debit rupees credit rupees. दूसरे side पे छोटा सा 6-7 line का journal heading दे देना journal proper. This is date. Sir, now we show this journal proper. No need for your NM Poda, NM HR Mithi Bhai. This is mainly for Podar. Just for the sake of ek practice ke liye exam mein karna hai to karke rakh lo. Somaya mein puchte. Sorry. Somaya mein puchte. Ah, Somaya has got journal proper. Somaya has journal. जर्नल प्रॉपर का सेम फॉर्मेट है जो जर्नल का होता है. एंट्री भी सेम ही रिकॉर्ड होता है, कुछ अलग नहीं है, लाइक नॉर्मल जर्नल. ओके, क्या एंट्री होगा इसका? टेबल फ्रॉम रामानंद फर्नीचर. व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट. सर इसमें एंट्री रिकॉर्ड करना. हाँ, इसमें एंट्री करना. ये अपना नॉर्मल जर्नल के जैसा होता है जर्नल प्रॉपर. फर्नीचर टू रामानंद, क्योंकि इसमें सब वैरायटी है ना, अलग अलग टाइप है, इसमें कोई सेम टाइप के एंट्रीज नहीं होते. तो फर्नीचर टू रामानंद फर्नीचर मार्ट, दैट विल बी 750. ये मैंने और लिखा हुआ है बीच में, ये और का मतलब या नोट या जर्नल प्रॉपर, दोनों नहीं. दिस इज बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम रामानंद फर्नीचर मार्ट. इन फर्नीचर परचेज फ्रॉम रामानंद फर्नीचर मार्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर इन द जर्नल प्रॉपर वी डोंट हैव टू राइट इन द बुक्स इन द जर्नल ऑफ. नहीं, नो नीड. वो साथ में ही बन रहा है ना आपका, आप जब बनाओगे तभी इन द सब्सिडरी बुक्स लिखा हुआ है ना, सब्सिडरी बुक में ही आ गया जर्नल प्रॉपर. ओके, देन सोल्ड ओल्ड फैंस टू मेसर्स चुरनीताल फॉर 550. विच बुक? जर्नल प्रॉपर. तो ट्रांजैक्शन ऑन जर्नल प्रॉपर, ट्रांजैक्शन ऑन 26 इज अ क्रेडिट सेल ऑफ
फैन या फिटिंग्स लिख सकते हो. हेंस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. Hence will be recorded in journal proper. And mainly for Podar and Somaiya, as they go for journal proper, you can write the entry on 26th. What entry you will write on 26th? का क्या होगा एंट्री? सोल्ड फैंस टू चुरनीताल. चुरनीताल अकाउंट डेबिट टू फिटिंग्स. चुरनीताल अकाउंट डेबिट टू फिटिंग्स अकाउंट. बराबर है. चुरनीताल अकाउंट डेबिट टू फिटिंग्स अकाउंट. हाउ मच? दिस विल बी 550. सेलिंग एन एसेट ऑन क्रेडिट. दिस विल गो इन जेपी. बीइंग ये होता है, टैली में भी होता है, एक सार्वजनिक जर्नल, जर्नल प्रॉपर, दैट गोज इनटू जर्नल प्रॉपर. दोज एंट्री कैन नॉट फिट इन अदर सब्सिडरी बुक्स. बीइंग फिटिंग्स या फैन सोल्ड टू चुरनीताल. फैन सोल्ड टू चुरनीताल. जर्नल प्रॉपर एग्जैक्टली सेम एज जर्नल. दिमाग लगाना ही नहीं वहां पे. परचेज कॉटन साड़ीज फ्रॉम अंबिका मिल्स. 1600 आ जाएगा. परचेज बुक. परचेज बुक क्लॉथ है, गारमेंट जो भी है सब परचेज बुक. तो परचेज बुक में चले जाओ. अंबिका मिल्स गुड्स है उसके लिए वो. दिस इज 28 एंड अमाउंट इज 16. गॉट इट? सिंपल है पोस्टिंग. अभी लास्ट में टोटल दूंगा. बहुत जरूर. नो नरेशंस. नो नरेशंस बिकॉज यहाँ पे ऑल एंट्रीज आर सेम. ऑल एंट्री एंट्री नहीं लिख रहे, नरेशन का क्या जरूरत है? ओके, एंट्रीज ही सब सेम है. यही काम कर रहा है आपका नरे. परचेज बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हो गया ना नरेशन. सबका क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही है. ठीक है, नो नरेशन. टोटल इट अप. सबको टोटल करना जरूरी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर टोटल नहीं किया तो मार्क्स कटेगा. नॉर्मल जर्नल में टोटल वाज नॉट इम्पोर्टेंट. करते तो भी चलता, ना करते तो भी चलता. यहाँ पर टोटल चाहिए, चाहिए और चाहिए. नहीं करोगे दो मार्क गुल आउट ऑफ 10. 9 + 3 = 12 + 2 = 14 = 16 600 मिला. Then 5 + 3 + 1 = 9,500 mila. Yes sir. Then 1,000 rupees mila or 1,000 rupees. ये है आपका sum. Sir, journal proper का total नहीं कर रहा. Journal proper का time है तो करने का. वो एक वैसे ही journal का जैसा ही है. उसका नहीं करोगे करोगे, no doubt, no problem. Subsidiary book में 4 का जरूर करना. उसमें कट जाएगा. मजा आ गया. तो सिंपल स्टार्टर प्रॉब्लम टू टेक वन मोर, दैट इज सम नंबर. सम नंबर वन. First sum. Draw the subsidiary books. Four subsidiary books. First sum. Well, let it be. We'll do it in the next lecture. Okay, just revise this much. I'll share the note. ओके, किसी को रेफर करना है नोट तो आई जस्ट शेयर इट. खाली ये रिवाइज करना और कुछ होमवर्क नहीं है. एंड देयर आर अराउंड 7 पीपल हु हैव नॉट सबमिटेड द होमवर्क येट. आज मैंने चांस इसके लिए दिया क्योंकि न्यू टॉपिक आई वाज गोइंग टू स्टार्ट. नेक्स्ट लेक्चर से पूरा चैप्टर ही जाएगा. गो फॉर अ टॉस. जिसने लेजर सबमिट नहीं किया अभी मेरे को पर्सनल चैट भेज देना.
नेक्स्ट लेक्चर से पूरा चैप्टर बैठने नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो आज का कुछ और होमवर्क अगर है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का तो आई विल सेंड यू, अदरवाइज विल मीट टुमारो इवनिंग वी आर मीटिंग फॉर पेपर्स, ओके 6 to 7:30 सेंड यू द पेपर ऑन द ग्रुप, उदा पेपर वी आर गोइंग टू सॉल्व विद GST, ठीक है। That's it. If you have any doubts, you wait. Otherwise, you can leave. Otherwise, I see you.